मैं सरकार से ये मांग कर रही हूँ कुछ डिसीजन सोच समझ के लें। एक तरफ तो हम लोग लॉकडाउन कर रहे हैं, एक तरफ हम रैलीज कर रहे हैं, एक तरफ हमने कुंभ खोला हुआ था, वो क्या था? उसके लिए तो मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो सब क्या था। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज को फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज ही अनिल विज जी ने जो घोषणा की है ट्वीट करके, बताया गया है कि कल से शाम 6 बजे से मार्केट बंद रहेंगी, उसके साथ साथ गैर जरूरी जगह लोगों को इकट्ठा करने से भी मना कर दिया है। यदि आपको किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, कोई प्रोग्राम करना है, तो आपको एसडीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आज मैं मार्केट में आना हुआ है और यहाँ पर बहुत सी दुकानें हैं, दुकानों के जो मालिक हैं उनको इससे क्या परेशानी है और क्या फ़ायदा होने जा रहा है, तो उन दुकानदार भाइयों से बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। क्योंकि जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है और एक एक दिन के अंदर हरियाणा के अंदर भी अब 10,000 केस आने लगे हैं, तो उन सब के बारे में सख्ताई से पालन करते हुए अनिल विज जी ने ये सब स्टेप उठाया है, तो लोगों की इस बारे में क्या रहे हैं उन सब से बात कर लेते हैं। दुकानदारों से भी बात करेंगे तो वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो यहाँ पे दुकानें हैं बहुत सारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से मार्केट है ये पूरी, तो यहाँ पे कुछ भाई खड़े हुए हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। जी बताइए, कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आपने आज, पता होगा आपको भी, अनिल विज ने ट्वीट करके बताया कि कल शाम 6 बजे से मार्केट जो है बंद कर दी जाएगी और एसडीएम के आदेश पे ही कोई प्रोग्राम होंगे, साथ ही साथ गैर जरूरी जगह हैं उन पे भी लोगों की गैदरिंग पे रोक लगा दी गई है। तो आप यहाँ पे कस्टमर है, दुकानदार है क्या? मैं दुकानदार हूँ जी। अच्छा जी, तो कितने सालों से दुकान कर रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 20 से 22 साल हो गए मेरे को यहाँ पर। अच्छा जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये अलवर स्वीट के नाम से जो पीछे दुकान दिख रही है वो मेरी है। ये पीछे जो दुकान देख रहे हैं ये अलवर स्वीट्स के नाम से दुकान है, पिछले 20 साल से दुकान कर रहे हैं। तो इन भाइयों से पूछ लेते हैं, पाबंदी लगाई गई है 6 बजे कल से, तो अब इनको कितनी तकलीफ है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इनका क्या कहना है, इनसे बात कर लेते हैं। देखो जी, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो एक अपने स्वास्थ्य पैनल से देखें तो सरकार जो डिसीजन लेगी, उन्हें जो सरकार को ज़्यादा पता है देश कैसे चलाना है। हम तो एक छोटी सी फर्म चलाते हैं, छोटी सी दुकान चलाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। जी जी। रही बात दूसरी दुकानदारी की, काम की, बिजनेस की, देखो जी पिछले जब से 1-1.5 महीने से कोरोना के केसेस बढ़े हैं, अमूमन कस्टमर अपने आप ही मार्केट से ख़त्म हो गया है, सब घरों में बैठ गए हैं। घरों में बैठ गए तो कस्टमर वैसे नहीं है मार्केट के अंदर। दूसरी बात, जब पहले से ही ग्राहक नहीं है, अब 6 बजे तक का टाइम कर दिया गया तो शाम को दुकानदारी का टाइम रहा है वो बिल्कुल गायब हो गया है। तो काम जो है आपका वो दोपहर में काम कैसा होता है? काम देखो जी, शाम को लगभग 5-6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ही थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा होती है, कस्टमर की फुटफॉल ज़्यादा होता है। तो अब उसी जो टाइमिंग आपकी काम की टाइमिंग हो, तो उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम काम को बंद कर दिया गया, तो अब कितना इफेक्ट आपका काम होगा इससे? कोई बात नहीं, दुकानें बंद कर देंगे हम भी। तो आप, तो आपकी खुद की दुकानें है? जी। अच्छा, तो जो दुकानदार भाई रो रेंट पे कर रहे हैं और यहाँ पे रेंट भी काफ़ी है जैसे दुकानदारों का कहना है, तो वो तो देखो जी उनको दुकानदारों को अपने दुकान मालिक से कैसे भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किराया माफ़ करवाएं, आधा करवाएं, 25% करवाएं, वो दुकानदार की और अपने दुकान के मालिक की इंटरनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपके अकॉर्डिंग जो ये अब पाबंदियाँ लगाई गई है कोरोना का, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि ये सही है या गलत? देखो जी, मैं अपने विचार रखूंगा, हो सकता है इस वीडियो कोई आदमी देखे वो क्या माने क्या नहीं माने, तो मैं थोड़ा सा ना इसको लेके पॉलिटिकली कोई विचार नहीं रखूंगा। वैसे मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है देश में इतना चल रहा है तो शायद कोरोना नाम की कोई बीमारी तो होगी ही, वरना क्यों बेवजह चलाते, या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, महीने दो महीने और वेट कर लेते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं फिर देखते हैं। तो ये दुकानदार भाई थे, इन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, सरकार ने जो स्टेप उठाए हैं हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बाकी जो दुकानदार भाई हैं उनका इस बारे में क्या कह रहा है, उनसे इस बात बारे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच भाई। दोस्तों, जैसा कि आपने दुकानदार भाई से सुना कि उनके क्या विचार थे जिस तरह से कल से मार्केट बंद हो रही है, तो मैडम मिली हमें, मैडम से बात कर लेते हैं, तो उनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्ते मैडम जी। मैडम, जो कल से जिस तरह से अनिल विज जी ने जो घोषणा की है कल से 6 बजे के बाद जो है मार्केट बंद की जा रही है, तो अभी दुकानदार भाइयों से भी विचार लिए हैं, तो उनका जो कहना था उन्होंने अपने विचार रखे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से, जिस तरह से आपको पता है कि कोरोना बढ़ रहा है,
और कोरोना बढ़ने के कारण सख्ताई से, जिस तरह से मंत्री जी ने बोला है कि सख्ताई करनी जरूरी है तभी कोरोना को कंट्रोल में किया जा सकता है, आप दुकानदार हैं और आपके काम को किस तरह से इसको इससे फर्क पड़ेगा, आपका क्या कहना है इस बारे में? बताइए। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले मैं मानती हूँ कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत मुश्किल है, हम लोग भी अपनी जान पर खड़े होकर यहाँ खड़े हो रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि 6 बजे अगर हम करेंगे इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, कोई सॉल्यूशन ऐसा निकलना चाहिए जो सबके हित में हो। और अभी आजकल मार्केट इतनी टाइट है, फाइनेंशियली हम इतने टाइट हो चुके हैं, हमारे साथ जो जने जुड़े हुए हैं, हमारा स्टाफ, हमारे किराए वो इतने ज़्यादा हैं कि हम सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मतलब एक तरह से लग रहा है हम कोविड से तो मर ही रहे हैं, ऊपर से हम एक प्रेशर से भी मर रहे हैं। हम लोग एक टेंशन जो हमें तंग कर रही हैं कि कोविड में कैसे करना है, क्या करना है, आई थिंक जनता थोड़ी और अवेयर हो जाए, थोड़े मास्क और पहने, हाथ सैनिटाइज, मैं मानती हूँ उससे प्रॉब्लम होती है हाथों में, लेकिन देसी इलाज आते हैं, अब उनसे करिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि ये 6 बजे एक सॉल्यूशन नहीं है। तो मैडम, जो आपका काम जो है अभी, जैसे अभी लगभग 6:30 का टाइम हुआ है, तो आपका काम दिन में कैसा रहता है या रात को ज़्यादा रहता है, किस तरह से? दिन में तो बिल्कुल बेकार हो चुका है, मतलब ऐसे लगता है कि आप सारा दिन मतलब बैठे हो टांग के ऊपर टांग रख के। और दूसरा, शाम को अभी इस टाइम शुरू होता है और अभी शुरू हुआ ही नहीं है, तो आप मुझे बताओ 6 बजे बंद हो जाएगा तो कैसे करेंगे? तो मतलब कहने का ये जो टाइम किया गया है तो ये आपके काम को पूरा ही इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल इफेक्ट कर देगा, हमें सिर्फ मेरे काम को नहीं, सबके कामों को, मेरे काम के साथ और लोग भी हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ ना, मैं भी किसी के ऊपर लिंक हूँ, हम सब इंटरलिंक्ड है। जी। अगर किराने की दुकान है वो भी इंटरलिंक्ड है, ये मेरे साथ जूस वाला ये भी इंटरलिंक्ड है, ये सब हम लोग इंटरलिंक्ड है, हम सब एक दूसरे के ऊपर एक सर्कल चल रहा है, ये सारा सर्कल एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। तो मैम, ये जो दुकान है जिसमें आप बैठे हो, काफ़ी साल से हम देखते आ रहे कि आपकी दुकान है, तो इस ये आप ओनर है या खुद इसका रेंट पे ही है? मैं रेंट पे हूँ, यहाँ पे रेंट पे हूँ, रेंट निकालना ही मुश्किल हो रहा है अब तो। तो एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉइज काफ़ी आपके साथ? एम्प्लॉइज देखो, मेरे पास 5-6 जनों का तो स्टाफ है, खाना बनाते हैं, करते हैं, उनको वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उन मेरा काम चलेगा तो उनको तनख्वाहें और खाना मिलेगा ना, ऐसे कैसे चलेगा मुझे बताओ ना, 6 बजे एक लॉकडाउन लग जाएगा तो कैसे? अब मेरे पास जो 1-2 कस्टमर्स हैं वो खाना लेने आए हैं, खाने आए हैं, मैं क्या बोलूँगी उनको 6 बजे जी नहीं है। और अभी तो जोमेटो स्विगी ने हम लोगों को बोला है कि कोविड पेशेंट्स के लिए खाना आपको प्रायोरिटी बेसिस पे बनाना है, तो जब कोविड पेशेंट्स का खाना कहाँ से दूंगी मैं? तो दोस्तों, जिस तरह से मैडम ने बताया कि किस तरह से परेशानियां इनको झेलनी पड़ेगी, इस तरह से अगर ये टाइम जो है सूटेबल नहीं है, तो अलग अलग राय है, सभी दुकानदारों का अलग अलग विचार है, जो रेंट पे ये वो रेंट कैसे निकालेंगे, तो बहुत सी दुविधा इनको झेलनी पड़ रही है, समस्याएं इनको झेलनी पड़ रही है। और कस्टमर का काम, जैसे कि उन्होंने बताया, काम अभी इनका अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी शुरू हुआ है, 2-3 ऑर्डर आपके सामने बस अभी शुरू हुए हैं, तो काम का टाइम ही यही है। कहने का मतलब यह कि मैडम, आपका काम शाम को इस तरह होता है, शाम को ही आपका ये, और अब तो वो भी इतना कम हो गया बिकॉज दिल्ली लॉकडाउन लग गया है, काफ़ी लोग दिल्ली से आते थे, गुड़गांव से लोग दिल्ली जाते थे, अब तो काम ऐसे लग रहा है जैसे ना के बराबर हो गया। इसमें भी हम कब तक सर्वाइव करेंगे मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कब तक सर्वाइवल है इसमें। तो कुछ जो आपकी, जिस तरह से आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, तो सरकार की से आप क्या मांग करते हैं इस बारे में? कि मैं सरकार से ये मांग कर रही हूँ कुछ डिसीजन सोच समझ के लें। एक तरफ तो हम लोग लॉकडाउन्स कर रहे हैं, एक तरफ हम रैलीज कर रहे हैं, एक तरफ हमने कुंभ खोला हुआ था, वो क्या था उसके लिए तो मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो सब क्या था। दोस्तों, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने कि रैलियों के ऊपर और कुंभ मेले में जिस तरह से एक एक दिन के अंदर वो सारे के सारे केसेज जिस तरह से आए थे, उसके कारण भी कोरोना काफ़ी बड़ा था, 1700 केसेज एक दिन में आए थे। तो यही क्वेश्चन मैडम का, ये जो आम जनता सवाल कर रही है कि एक तरफ रैलियाँ हो रही है, एक तरफ कुंभ के मेले लगे हुए हैं, लग जाते हैं, तो यहाँ पे जो काम, जो छोटे मोटे काम करने वाले भाई बहन हैं, उनका कितना एफर्ट हो रहा है, उनका कहना है कि वो सब कहा जाए, करे तो क्या करे। तो कहने का यही है कि सरकार उनके लिए भी कुछ सोचे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके और अपना किराया पूरे तरीके से निकाल सके। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने इतना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मेरी सरकार से विनती है, रिक्वेस्ट है, कोई सॉल्यूशन अच्छा सा निकालिए, प्लीज़ अच्छा सा निकालिए, हम सबके हित में निकालिए। हम ये नहीं, हम सरकार के साथ नहीं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेशन हमें वहाँ से भी चाहिए, कई आंसर्स हमें भी चाहिए, उनका जवाब हमें दीजिएगा प्लीज़। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, ताकि आम जनता की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों का शेयर करें, ताकि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी तरह से ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।